विश्लेषण पर्व का पहला दिन क्षमा फिर मार्गो फिर आर्जो आज सोच सोच का पर्व है, शुद्धि का पर्व है। सोच का अर्थ होता है पवित्रता, वृद्धि होती है और भावनाओं में लोभ में वृद्धि होती रहती है। जितना मिल जाए आदमी को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। आज लोभ कसाय को देखना है, क्रोध गया, अहम गया, छल कपट गया, अभी लोग बैठा है, बड़ा खतरनाक है। शरीर को नहीं मन को शुद्ध करो, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे धोए वास। कबीर कहते हैं कि नहाने धोने से कुछ नहीं होता है, जो मन मैल न जाए। यदि मन का मैल नहीं गया तो बाहर का स्नान तुम्हें पवित्र नहीं कर सकता। मन की विषय नहीं छूटे तो बाहर का त्याग तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है। और मन से आसक्तियां नहीं हुई, अरे उठा नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, उस पर जूते रख करके तो खड़े हो ही जाओगे कि सब चले जाए। और जैसे ही चले गए पैर हटाया और जेब में नोट आया, ध्यान पाप का बाप बतो। लोग इतने पर्युषण मनाए, हर साल लोग पर प्रवचन सुनते हो, आज देखना कि कम हुआ है या बढ़ा है। पिछले साल से इस साल में कितना लोग मिटा हुआ है। दूसरा पर सोच धर्म अपनाया या केवल उसे अर्घ चढ़ाया और पूजा की और जय जयकार किया, बड़ा है या घटा है। अपने अंतस को जांच करके देखें कि दिनों दिन हमारा लोभ बढ़ता है या घटता है। आयु क्षीण होती है, लोभ बढ़ते जाता है, तृष्णा बढ़ती जाती है। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीन, समझती है ना। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जात सफेद बाल हो गए, दसन विहीनम जातम दांतों से विहीन हो गया, कमर टूट गई, वृद्धो याति घृत्वादण्डम, बुढ़ापे का दंड स्वीकार कर रहा है, झेल रहा है, शरीर बूढ़ा हो गया, शरीर पर झुर्रियां पड़ गई, तदपि न मुच्यति आसा पिंडम, कि पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय कर रहा। वाह आदमी की जिंदगी मोह पाया जा पा सकता है, अरे पड़ा पड़ा मरता है, हाय परिवार नाम गिनता है, अहंत नाम नहीं लेता है, ध्यान रखिए। तदपि न मुच्यति आसा पिंडम, हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, अरे खिचड़ी भी पचती नहीं, रोटी भी चपती नहीं, वो पड़ा पड़ा मर रहा, हाथ पैर बत्ती, हाथ मोमबत्ती और पैर अगरबत्ती, पर पड़ा पड़ा मर रहा और हाय हाय। ये लोग बताओ ईमानदारी से दिनों दिन बढ़ रहा है या घट रहा है। बढ़ रहा है ना, काय हमारा गला फड़वा रहे, जाओ घर अपने, जब तुम्हें सुधरना ही नहीं है। काय के लिए हमसे इतनी मेहनत करा रहे, काय के लिए हर साल ये पर्युषण के प्रवचन सुनते हो, दूर दूर से विद्वानों को बुलाते हो, पंडितों को बुलाते हो, संत महाराज होते हैं उनके चरणों में बैठ करके सुनते हो, फर्क तो कुछ पड़ता ही नहीं, जीव करते हो उल्टे घड़े, ऊपर पानी डालते रहो पानी व्यर्थ जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला।
ईर्ष्या मिटी नहीं, मायाचारी मिटी नहीं, छल कपट मिटा नहीं, लोभ मिटा नहीं। बोले क्या हो गए? बोले आज छोटा मेरे पास निपट गए छह दिन और हो गया। संकल्प करके उठना कि अगले परिश्रम तक यदि मेरे दो मकान है तो एक कर लूंगा मैं। ये तो तुम सोच अगले परिश्रम तक ये सोचना कि 10 जोड़ी साड़ियां हैं मेरे पास, 50 जोड़ी तो परिश्रम तक 10 ही बचेंगी। तब तो तुम परिश्रम पर मना रहे हो। अगले परिश्रम तक सोच लेना, चार दुकान है तो एक कर लूंगा। विचार करिए, नहीं करोगे तो फिर जाओ, उनको परेशान मत। क्या करेगा? ऐसे डूब जाते हो तो अभी पहुंच कल ही होने वाला है। कल का है, अभी 9:30 पहुंचे हो जाएगी धर्म कर्म से। अरे लोभ से बचना है तो जितना सत्संग मिले, जितना धर्म ध्यान मिले उसमें अपना समय लगा दे। अरे ना छूटे तो ना छूटे मेरे भाई, जब तक इस सत्संग में बैठे हो तब तक तो लोभ से मुक्ति मिल गई, तब तक तो संसार के वासनाओं से आकांक्षाओं से मुक्ति मिल गई। सुबह 7 बजे से बैठे हो 10 बजे तक, इतनी देर तक तो लोग तुम्हारे पास नहीं है। ये भक्ति का फल है, भगवान की जिनेंद्र की आराधना का फल है, ये सत्संग का फल है कि जब तक बैठे रहो तब तक तो उससे ध्यान रखना। लोग तृष्णाओं को दिनों दिन बढ़ाता है, कम नहीं कर। लोभी आदमी बड़ा होशियार होता है। घर में गर्मी के मौसम में आम आते हैं, कभी ख्याल करना। यदि आपके घर में 10 आम आए और एक खाना है तो अपने मन की प्रवृत्ति को देखना और 10 में से 1 चुनोगे कि जो कड़क वाले हैं वो कल खा लेंगे, और जो सड़ने की कगार पे है उसे आज निपटा, क्योंकि कल रखेंगे तो और ज्यादा सड़ जाएगा। अब आपने उन 10 आम में से एक खराब वाला आम खा लिया, 9 आम रख दिए। अब कल खाना है, कल फिर चुनाव होगा कि 9 में कौन ज्यादा मरने की कगार पर है उसे पहले निपटा देते। आज बचा लिया, तो कचरा होता है उसे आज ही डालेगा। पुराना नोट जितना जीर्ण शीर्ण। हकीकत तो ये है कि जो नोट दुनिया में नहीं चलता वो भगवान की तिजोरी में चल जाया करता है। जो नोट दुनिया में आप बचा करके रखते हैं, जो दुनिया में आप खर्च करना चाहते हैं, मेरी जीर्ण शीर्ण है तो क्या है लोग की तो। लेकिन मन क्या कहेगा यार, इसे कहते हैं लोग बड़ा सूक्ष्म है। लोभ से तुम्हारी आत्मा मैली है, दूषित है। अरे कितना करोगे अपने एकादमी को वरदान मिला, जा क्या चाहिए तुझे? आदमी ने कहा कि भगवान मुझे जमीन चाहिए। भगवान ने कहा एक काम कर, ले तेरे सामने एक लकीर खींच देता हूं, उस लकीर से तू दौड़ना प्रारंभ कर, और जितना दिन भर में दौड़ के लौट आएगा उतनी जमीन तेरे। अरे बड़ा खुश हो गया यार, खाना पीना चाय नाश्ता भी छोड़ो, लगा दो दौड़। दौड़ लगाते गया, लगाते गया, इतना दौड़ा देखा कि सारा का पेट किसी तरह नाप के देख कर रखो अपने पेट में। हाँ इतना रखोगे बस, इससे बड़ा थोड़ी है। ध्यान रखिए, 2 हाथ से ज्यादा पेट किसी का नहीं है। और मेरे भाई, 2 हाथ के पेट को भरने के लिए भगवान ने 2 हाथ दान किए हैं। इनसे हर आदमी अपना पेट भर लेता है, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा लोभ की। हमको देखो ना, हम दोनों हाथ से खाते हैं, मालूम है क्यों? क्योंकि
पेट दो हाथ का है तो भरने के लिए दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। और तुम एक हाथ से खाते हो लेकिन फिर भी क्या सोचते हो यार कि दुनिया का माल दो हाथ से तो नहीं बटोरा जाता, हजार हाथ देता भगवान तो सारी दुनिया का माल बटोर लेता। ये लोभ की प्रवृत्ति है। दो हाथ का पेट भर गया, पेट भरने के लिए दो हाथ बहुत है, पेटी भरने के लिए हजार हाथ भी कम पड़ जाया। राम 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 करके जाके स्नान करते लुतर करके ऊपर से नीचे आया, चरणों में लौट गया कि बाबा 108 बार मैंने तुम पर थूका, तुम स्नान करके आते रहे, तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आया, रोष नहीं आया। बाबा एकनाथ ने कहा गले से लगा के कि देख पगले, आज तुझसे बड़ा उपकारी मेरा कोई नहीं है दुनिया में। तू कितना उपकारी है, तू मुझ पर थूकते गया, मैं नहाते गया। अरे बाबले, रोज जाता था तो गंगा एक बार नहाता था, आज मेरी किस्मत है कि 108 बार नहाने का तूने मुझे मौका प्रदान। मैंने 108 बार गंगा स्नान किया। हकीकत में बताऊं, रोज तो तरु नहलाता था, रास्ते के कारण मैंने अपने मन को भी नहला लिया, मन को भी पवित्र कर लिया, मन निर्मल हो गया, मन आज गंगा स्नान हो गया मेरा। दोस्तों शरीर को नहला के लौटाता था, मैंने सोचा कि देखो ये कब तक थूकता है, मुझे परिणाम बिगड़ते हैं या नहीं, मेरे मन बिगड़ता है या नहीं, मेरे भाव बिगड़ते हैं या नहीं। रखना, आज तूने मेरी भावनाओं का स्नान करा दिया, आज तूने मेरे विचारों को पवित्र कर दिया, तुझसे बड़ा गुरु संसार में कोई मेरा दूसरा नहीं हुआ करता है। सोचिए तूने 108 बार मुझे हरि का नाम लेने का अवसर प्रदान किया, जब जब तूने थूका मैंने राम राम कहा, धन्य हो गया मेरा जीवन, आज विचार धन्य हो गया, आज मैंने राम राम कहकर वाणी से भी स्नान किया और 108 बार गंगा में डुबकी लगाई तो शरीर से भी स्नान किया और मैंने अपने अंदर कषाय आंसू भुलकाने का मतलब होता कि मैं तुम्हें जान गया, तुम मेरे मित्र हो, मुझे देखने आए हो, लेकिन मैं अभी आपका अभिमान मैं आपसे बोल नहीं सकता, मैं शब्द मेरे मौन हो गए हैं। एक बार प्रभु का नाम ले आपको भी ऐसा करना पड़ सकता है। आप बताएं कि गंदे कमरे में आप कितनी देर बैठना चाहते हैं, उसी कमरे में खाना पड़ा हो, वही जूते चप्पल पड़े हो, वही कचड़ा पड़ा हो, वही धूल पड़ी हो, वही बाहर का कचड़ा, वही सिगरेट के टुकड़े पड़े हो, कितनी देर बैठेंगे आप? बोलिए, वही गाय का गोबर और डाल दिया जाए तो और मजा आ जाए, कितनी देर बैठेंगे आप? छोड़ो, जब मैं यहां से निकलता हूं ना, बहुत कचरा मिलता है, सुकर का रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त है, वहां से आप 2 मिनट निकलते हैं और रुमाल रख लेते हैं आप पर, कितनी देर बैठना पसंद? 1 मिनट भी आदमी गंदी जगह पर बैठना पसंद नहीं करता है। और ये कमरा बड़ा स्वच्छ है, पवित्र है, बड़ा निर्मल है, कितनी देर बैठने को मन करता है? 5 मिनट को जाओ, 15 मिनट बैठ करके आते हो, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मेरा बड़ा आनंद आया, बड़ा पवित्र कमरा था, बड़ा अच्छा साफ सुथरा कमरा था, बैठने का मन किया। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं 5 मिनट के लिए, कमरा देखते हैं तो रह जाते हैं, यार 15 मिनट और बैठो ना, बड़ा मजा है, ऐसा मजा तो घर में नहीं है, कितना सुंदर का व्यवस्थित कमरा बना रखा है चातुर्मास कमेटी ने, मैं बैठ जाता। ध्यान रखना, कमरा इससे भी ज्यादा सुंदर तुम्हारे घर का हो सकता है, लेकिन जहां तक देखा जाए तो कमरे की छोड़े पर मत अटको, मन को पवित्र बना। गंग जमुन समुद्र नहाए कौन विधि घट कर सुचि कहे, ऊपर अमल मल भरो भीतर विचार कर। एक बार स्मरण में रखना, शरीर को शुद्ध करोगे, हड्डियों को शुद्ध करोगे, मांस को शुद्ध करोगे, ये तो जन्म जन्म
साबुन भी लगाओ तो हड्डी कभी शुद्ध नहीं होती, गंदोदर भी छिड़क लो तो हड्डी शुद्ध नहीं होती है। इस शरीर तो जन्मजात अशुद्ध है, इसके भीतर अशुद्ध शरीर में परमात्मा प्रकट हो सकता है, लेकिन अशुद्ध मन में परमात्मा प्रकट। मन कैसा? मुनि मन सम उज्जवल नीर। पानी की उपाधि किसको दी है? गंगा को पवित्र नहीं कहा, यमुना को पवित्र। कल से तुम नहाना बंद कर दो, नहीं होगा बेटा, नहीं होगा केवल ज्ञान। ज्यादा परेशान मत हो, टेंशन नहीं लेने का, ज्यादा बुद्धि मत लगाओ कि महाराज ने कहा नहाना नहीं, तो चलो अब कल से फैलाओ मोहल्ले में दुर्गंध, लोगों की नाक में दम कर दो, बेचारे रुमाल लेके बैठे रहे, जहां से तुम गुजर जाओ। जैसे एक बकरा होता है दुर्गंध वाला बकरा, जिसे छोड़ दिया जाता है वो कितनी दुर्गंध आती, जहां से निकल जाए वहीं से दुर्गंध आती। ऐसा मेरी बराबरी मत करना, बहुत बुरे हाल हो जाएंगे तुम्हारे, मोहल्ले से बाहर खदेड़ दिया जाएगा तुमको। मैं बिना कपड़े वाला हूँ, मैं नहीं नहाऊं तो चल जाएगा, लेकिन तुम कपड़े वाले हो, तुमको नहाना बहुत जरूरी हुआ करता है। अशुद्ध क्या है? शरीर नहीं, वस्त्र अशुद्ध होते हैं, वस्त्रों में दुर्गंध है शरीर। शरीर की शुचिता करो इसका मतलब ये नहीं कि नहाना बंद करो, लेकिन शरीर के साथ साथ हमारा मन भी पवित्र होना चाहिए। हमारा जीव पवित्र, मन पवित्र कैसे होता है? ऐसी कोई साबुन है कि खा लो और मन अंदर से धो धा के मांझ के रख दो, कोई विम डाल दो और अंदर से सफाई हो जाए? नहीं, श्रीमद रायचंद उनके एक मित्र थे, बहुत प्यारी लगती है घटना मुझे, शायद आपके लिए प्रेरणा बन जाए। मैं अपने प्रवचनों में कहानियां ज्यादा सुनाता हूँ ताकि वो तुम्हारी जिंदगानी बन जाए, सूत्रों में तो तुम्हारे पल्ले कुछ पड़ता नहीं। श्रीमद रायचंद एक मित्र थे, उन्होंने रायचंद जी से कर्जा लिया कि मैं एक साल में ये कर्जा आपका उतार दूंगा ब्याज के साथ। श्रीमद रायचंद जी ने कहा ठीक है, वैसे तो मैं जैन हूं, ब्याज नहीं खाता तो ब्याज भी नहीं खाता, ध्यान रखिए। वैसे जैन है यहां पर, ब्याज तो छूट गई होगी, ब्याज ब्याज तो ऐसे दवा के खाते हो। रायचंद ने कहा कि मुझे ब्याज नहीं चाहिए, तुझे जरूरत है पैसा की, क्या दिक्कत? साल भर बाद मेरा पैसा लौटा देखा, मित्र था, एक साल हो गई नहीं लौटा पाया। रायचंद जी ने देखा कि जिसके साथ हम उठते हैं बैठते हैं चलते हैं, आज दिन से वो मेरे पास नहीं आ रहा। उसके भीतर गिलानी थी कि मैंने वचन दिया था कि पैसा दूंगा, ब्याज तो छोड़ो वह मूल चुकाने के लिए काबिल नहीं रहा। 15 दिन हो गए, महीने भर हो गए, 6 महीने हो गए, मित्र ने कोई खबर ना ली। रायचंद जी ने कहा कि ये गया कहां, पता किया तो बोले घर में रहता है लेकिन आपसे नजरें नहीं मिलाता है, कि मैंने वचन दिया था कि साल भर में पैसा लौटा दूंगा। अरे ब्याज तो क्या वो मूल भी चुकाने के काबिल नहीं है, और इस तरह के बुरे दिन उसके हैं। रायचंद जी को पता चला कि अब उसके पास पैसा नहीं है, यदि चुकाएगा मकान भी बिक जाएगा, घर भी बिक जाएगा, जमीन भी बिक जाएगी, लेकिन आपका कर्ज नहीं। रायचंद जी चले गए उसके घर, बिना रुपए चुकाए मैं नहीं रहूंगा, बस थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं तो खुद आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं, थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे। रायचंद जी ने कहा वो कागज लाओ जो एग्रीमेंट तुम्हारा हुआ था, जो लिखा पड़ी हुई थी ना, उसे लेकर के आओ। जैसे ही वह लेकर के आए एग्रीमेंट को, रायचंद जी ने पढ़ा, इसमें तो लिखा है कि इस तारीख को पूरा पैसा चुक जाना चाहिए, और ये 6 महीने ऊपर हो गए और अभी तक तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया है। पैसों ने दोस्ती तोड़ दी, मित्रता तोड़ दी। श्रीमद रायचंद जी ने कहा कि देखो इस एग्रीमेंट के हिसाब से 6 महीने ऊपर हो चुके हैं,
कि पागल ये एक कॉपी का टुकड़ा तुझे 1.5 साल से चैन की नींद नहीं सोने दे रहा है। अरे फेंक इस कागज को एक तरफ, जला करके राख करके फेंक दिया। उन्होंने कहा कि रायचंद जैन है, वह छना पानी पीता है, किसी का खून नहीं पिया करता है, जबरदस्ती में किसी का शोषण नहीं किया सकता है। अरे छोड़ मेरे भाई, कहां का एग्रीमेंट और कहां का लिखा पड़ी, कहां का लेना और कहां का देना। चल रोज चौपाल में बैठेंगे पहले की तरह, रोज मिलेंगे आराम से, मन को पवित्र कर ले, गिलानी भाव अपने मन में। अरे क्या लिया तूने मेरा, मैंने पिछले जन्म में तेरा खाया होगा, इस जन्म में मित्र बन के तेरा चुका दिया। मेरे भाई मेरा तो उद्धार हो गया, मेरा तो मेरा मेरा कर्ज चुक गया। यदि ये कर्ज उसने का कर्ज तो मैंने लिया है। बोले भाई यदि तूने कर्ज लिया होता तो साल भर में भगवान तेरी व्यवस्था कर देते, कर्ज तो मेरा है इसलिए 1.5 साल तक भगवान ने व्यवस्था नहीं की, आज मैं कर्ज चुका दिया। ना जाने मेरे भाई यदि ये कर्ज नहीं चुकवाता तो अगले जन्म में बैल बनता और तो किसान बनकर मुझसे हल चलवाता। अच्छा हुआ इस जन्म का, इसी जन्म में मेरा निपटारा हो गया, मन पवित्र। जा विधि राखे राम ताई विधि रही है, ध्यान रखना, सोचना है आपको, उत्तम सोच धरो। क्या इस सभा में कोई इतनी हिम्मत वाला है जो नोटों की वजह से संबंध खराब नहीं करता, सोचना है। अरे मित्र के संबंध तो छोड़ो, जमीन जायदाद तो नोटों के चक्कर में तुम अपने परिवार के संबंध दिला दिया करते हो, सोचना है आपको। चंद छोटी छोटी बातों में रिश्तों में टूटन आ जाए। मेरे भाई आज उत्तम सोच का दिन है, और इस सोच से मतलब है स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो स्वार्थ का त्याग करिए। जब जब स्वार्थ सामने आकर के खड़ा हो जाए। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि कभी आपको आत्मगिलानी होती है, मैंने कहा कि हाँ होती है। कभी आप अपने आप को गलत साबित करते हैं, मैंने कहा करता हूं। जब जब मैं उलझ सागर कोई काम करता हूं और जब जब कोई स्वार्थ मेरा खड़ा होता है आगे, तो मुझे भीतर से आत्मगिलानी हुआ करती है। मेरे भाई यदि तुम किसी अपाहिज को सड़क